क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हेल्दी एंड फिट रहने के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस एंड एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत है? If yes, then you are wrong. You can keep it simple, bro. क्योंकि कुछ simplest exercise भी effective result दे सकती है. तो आज मैं compare करने वाली हूँ my favorite two exercises and most effective cardio exercises, jumping jack and jumping rope, यानी कि skipping. ये दोनों ही exercise cardio workout है. दोनों ही exercise से आप fit रह सकते हैं और दोनों exercise से आप calories burn कर सकते हैं. But which is better? Don't worry when I'm at the rescue. आज मैं आपको बताने वाली हूँ jumping rope and jumping jack की comparison और दोनों में से कौन सा बेटर है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए. सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा. ओके, वेट अ मिनट, हु आर यू? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जंपिंग रॉप से, यानी कि स्कीपिंग से. तो जंपिंग रॉप के लिए सबसे पहला रूल, आपको पता होना चाहिए कि जंपिंग रॉप यानी कि रस्सी कूदनी कैसे है. नहीं आती तो सीखना पड़ेगा, और अगर आती है तो वेल एंड गुड. पर आपको पता होना चाहिए कि स्कीपिंग के लिए राइट पोस्चर कौन सा है, राइट रॉप्स यानी कि रस्सी कैसी होनी चाहिए, और राइट सरफेस कौन सी है जिससे आप इजीली रस्सी कूद पाए और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंजरीज ना हो. पर अगर रस्सी कूदनी नहीं आती तो कैसे सीखे? सिंपल है बॉस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. वुमेन को भी परफेक्ट बना सकते हैं, वैसे वुमेन को आती होगी आई गेस. कमेंट करके बताओ आपको रस्सी कूदनी आती है या नहीं. और अगर नहीं आती है और अगर आप जानना चाहते हैं राइट पोस्चर के बारे में, राइट रॉप्स के बारे में और सरफेस के बारे में, सभी कुछ जंपिंग रॉप के बारे में, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. वॉच दैट वीडियोस ताकि आपको पता चले राइट रॉप्स, राइट पोस्चर एंड राइट सरफेस के बारे में. एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियोस यू विल बी प्रो इन जंपिंग रॉप ब्रो. अगर मैं अपनी बात करूं तो आई कैन बर्न 10 टू 15 कैलोरीज इन 1 मिनट विद जंपिंग रॉप. और हाँ, ये डिफरेंट हो सकता है पर्सन बाय पर्सन. अगर आपका वेट मुझसे डिफरेंट है, अगर आपकी इंटेंसिटी मुझसे डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट कैलोरीज बर्न हो सकती है. ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स. पर ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा. और अगर बात करूं जंपिंग रॉप के फायदों के बारे में, तो ये आपकी कोर मसल्स को एंगेज कर सकता है, आपके काफ मसल्स को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है. एंड चेरी ऑन द टॉप इज इट आल्सो वर्क्स ऑन योर फोरआर्म एंड योर शोल्डर्स. बस आपको चाहिए एक सिंपलेस्ट परफेक्ट रॉप एंड यू आर गुड टू गो. वेट, जंपिंग जैक के बारे में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते. ये देखो, अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को कहां से मिलेंगे. तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जंपिंग जैक्स. जंपिंग जैक्स जो है वो भी सिंपलेस्ट कार्डियो वर्कआउट है, और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. पर जंपिंग जैक्स में पोस्चर कैसा होना चाहिए? सिंपल है, पोस्चर बी लाइक रेज योर आर्म अबोव योर हेड एंड स्प्रेड योर लेग आउट. ये भी आपके कोर मसल्स को एंगेज करता है और आपको फिट रहने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को स्टेबिलाइज एंड बैलेंस करता है. जंपिंग जैक से आपकी फुल बॉडी जो है वो मूव होती है, और इसी वजह से आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है. जितना फास्ट आप करेंगे, जितनी ज्यादा आप मूवमेंट करेंगे, उतना आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ेगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा. इट्स अ बेस्ट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज. अगर मैं अपनी बात करूं तो आई कैन बर्न अराउंड 10 कैलोरीज इन 1 मिनट ऑफ जंपिंग जैक. आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, एज आई सेड कि ये अलग अलग पर्सन के लिए और अलग अलग वेट के लोगों के लिए अलग हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है. सो सेम एज जंपिंग रॉप, जंपिंग जैक से ही आपको सेम डोज एंड कैलोरीज, थोड़ी बहुत प्लस माइनस कैलोरीज बर्न होती है. सो दोनों ही वर्कआउट जो है वो सेम कैलोरीज बर्न करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. और दोनों ही वर्कआउट बिगिनर फ्रेंडली है, और आप घर पे कहीं पे भी कर सकते हैं. और जंपिंग रॉप के लिए सिर्फ आपको रॉप्स चाहिए होंगे, जंपिंग जैक्स के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए. और अगर आपको जंपिंग रॉप्स नहीं आते हैं तो यू कैन गो विद जंपिंग जैक्स, ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज बर्न करता है. और अगर आपको रॉप्स कूदने में मजा आता है, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगता है, तो यू कैन गो विद जंपिंग रॉप एज लाइक मी. और दोनों ही वर्कआउट जो है वो आपको फिट रहने में हेल्प करते हैं, हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं, और साथ में आपके मसल्स को स्ट्रेंथ भी देते हैं. So which one you prefer? आप अपने डेली वर्कआउट में कौन सा वर्कआउट शामिल करने वाले हैं, जंपिंग रॉप या फिर जंपिंग जैक? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. Do it! Just do it!
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपने एंजॉय किया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है. अगर हाँ तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ. मेरी व्लॉगिंग की स्टफ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंड माई व्लॉगिंग चैनल नेहा गोसाई व्लॉग्स, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे ट्रैवल वीडियोज देखने के लिए. अभी अभी मैं ट्रैकिंग से होकर आई हूँ और दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस. अगर आप वो वीडियोज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ऑन नेहा गोसाई व्लॉग्स. हम मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्राइट विद हैशटैग लिविंग ब्राइट. जंपिंग रोप के अदर वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करो, और बेल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करो.